भाई सैमसंग ने फाइनली अपना सैमसंग गैलेक्सी m10s लॉन्च कर दिया है और आज हम इसका करने वाले कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी a10s के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हमें m10s में 6.4 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ में होने वाली एक सुपर एमोल डिस्प्ले और यहाँ पर हमें मिल जाते हैं 19.5.9 के एक्सपेक्ट रेशो। वहीं पर अगर हम बात कर ले a10s की तो इसमें हमें 6.2 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले, साथ में हमें एक IPS LCD देखने को मिल जाती है और इसके एस्पेक्ट रेशो होने वाले 19.9। वहीं पर अगर हम बात कर ले दोनों फ़ोन्स के प्रोसेसर की तो यहाँ पर हमें M10s में एक्जीनो के 7884B के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, साथ में हमें माली G71MP2 के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात कर ले a10s की तो इसमें हमें मीडिया टेक हीलियो P22 देखने को मिल जाता है, साथ में हमें पावर VRGE832 के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते दोनों फ़ोन्स की मेमोरी की तो हमें M10s में कैपेसिटी मिल जाती है 1 TB तक और इसमें हमें मिल जाते हैं एक वेरिएंट 32+3GB वाला। वहीं पर अगर हम बात कर लें a10s की तो इसमें हमें 512GB तक की कैपेसिटी मिल जाती है, वहीं पर इसमें हमें 32+2GB वाला वेरिएंट्स देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स के कैमरास की तो यहाँ पर M10s में हमें 13+5MP का बैक रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, वहीं पर हमें फ्रंट में 8MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं a10s की तो इसमें 13+2MP का बैक रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में हमें 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स के बैटरी की तो हमें M10s में 4000mAh की बैटरी मिलती है, साथ में हमें 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले a10s की तो इसमें हमें 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।